हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवर्स इंटीजर। इसमें हम लोग को एक 32 बिट इंटीजर दिया है एक्स, जो कि हम लोग को फिर उसको उसके डिजिट्स को रिवर्स करके हम लोग को रिटर्न करना है। इसमें ये इजी क्वेश्चन है और जैसे कि एग्जांपल दिया है फर्स्ट कि 123 हम लोग को इनपुट दे रहा है और हम लोग को उसका रिवर्स करके 321 आउटपुट देना है। और ये साइन साइन रहेगा तो माइनस है तो माइनस मेंटेन करना रहेगा। जैसे कि -123 रिटर्न कर देता है हम लोग को, तो -321 हम लोग को रिटर्न करना है। और फिर हम लोग को ये भी देखना है इसमें कि ये जो है इस रेंज में लाई करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है इस रेंज में लाई तो हम लोग को 0 रिटर्न करना है। तो चलो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे कोड करेंगे हम लोग। पहले एक हम लोग एक रिवर्स नाम से बना लेंगे लॉन्ग में, जो कि रहेगा क्योंकि हम लोग को इसकी रेंज चेक करनी है, ये जो रेंज रहेगी तो हम लोग इसको लॉन्ग में लेंगे इसलिए। और फिर चेक कर लेते हैं कि पहले जो हम लोग को एक्स मिल रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो पहले हम लोग तो बूलियन वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू रख लेंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो फ्लैग नाम से बना लेते हैं और पहले फॉल्स कर लेते हैं इसको। अगर ये नेगेटिव रहेगा तो हम लोग इसको ट्रू कर देंगे और एक्स को हम लोग पॉजिटिव कर देंगे। तो एक्स को हम लोग एक्स को -175 कर देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो -175 करके पॉजिटिव चेक कर लेते हैं। और फिर अब हम लोग इसमें इसको रिवर्स करके चेक कर लेंगे। रिवर्स करके पहले स्टोर कर लेंगे हम लोग रैम में। तो अब ऐसे हम लोग इसको रिवर्स कर लेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 है। और फिर यहाँ पे हम लोग स्टोर करते जाएंगे रैम में, जो कि रैम -10 कर देंगे। तो क्योंकि हम लोग को यूनिट प्लेस को बढ़ाते रहना पड़ेगा। और फिर हम लोग एक्स मॉड्यूलो 10 ले लेंगे, एक्स मॉड्यूलो 10 ले लेंगे। और फिर हम लोग एक्स को 10 से डिवाइड करते जाएंगे। तो इस एल्गो से हम लोग का ये जो नंबर जो भी इनपुट होगा एक्स में, वो हम लोग को रिवर्स ये नंबर ये लूप हम लोग को रिवर्स नंबर दे देगा रैम में, ये जो वाइल लूप चल रहा है। अब फिर अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो रिवर्स नंबर है वो इस रेंज में लाई करता है कि नहीं करता है। अगर वो इस रेंज में लाई नहीं करेगा तो हम लोग को 0 रिटर्न करना है। तो चेक कर लेते हैं कि रिवर्स अगर ग्रेटर देन ये 214, इसकी जो रेंज है वो टाइप कर रहे हैं 8 6 4 7, ये इस रेंज में अगर लाई नहीं कर रहा होगा तो हम लोग को ये 0 रिटर्न कर देगा। ये नेगेटिव में भी रह हो सकता है, तो इसलिए नेगेटिव वाला भी चेक कर लेते हैं। 214 7 4 8 3 6 4 7। अगर ये हम लोग चेक कर लेते हैं कि इससे हम लोग चेक कर लेंगे कंडीशन से कि नंबर हम लोग का लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस रेंज में। अगर लाई नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे 0। अगर लाई कर रहा होगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हम लोग का नंबर नेगेटिव था तो हम लोग को नेगेटिव नंबर रिटर्न करना है। जैसे कि ये एग्जांपल 2 में दिया है -123 इनपुट दिया तो -321 रिटर्न करना है। तो हम लोग का फ्लैग में हम लोग को पता है कि वो नंबर नेगेटिव ही नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर है तो ये इफ कंडीशन 2 हो जाएगी और फिर हम लोग इसको पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर देंगे। जैसे कि इंटीजर में रिटर्न करना है तो हम लोग को इंटीजर चेंज करना रहेगा क्योंकि हम लोग का रिवर्स जो है वो लॉन्ग में है, तो इसको हम लोग को इंट में कन्वर्ट करना रहेगा। और यहाँ पर हम लोग रिवर्स को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करके भेजेंगे क्योंकि हम लोग को नेगेटिव नंबर रिटर्न करना है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर देंगे और इंट में ही रिटर्न करना है, तो इसलिए इंट में रिटर्न करेंगे। और रिवर्स हम लोग अब आउटपुट कर लें रिटर्न कर देंगे। चेक कर लेते हैं कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये रन हो रहा है, ये ट्रू बता रहा है। ये यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, यहाँ पे फ्लैग ट्रू होगा। फ्लैग को कंडीशन हम लोग कर रहे हैं, अब फिर रन करके देख लेते हैं। और ये एक्सेप्ट हो गया है, देख लेते हैं सबमिट करके क्या होता है अभी।
और सबमिशन हो रहा है और ये एक्सेप्ट हो गया है। तो ये इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आप खुद से बार ट्राई करिए। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।